नवविवाहित युवती की रहस्यमयी परिस्थिति में हुई मौत को लेकर पुलिस के कार्यप्रणाली शक के घेरे में होने पर पुलिस थाना हमीरपुर में लोगों ने आकर हो हल्ला किया और पुलिस थाना का लोगों ने घेराव किया। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले हमीरपुर के साथ लगते गांव बजूरी में 26 साल की युवती ने घर के अंदर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन मायके वालों ने आरोप लगाया है कि युवती को सास ससुर प्रताड़ित करते थे और इस कारण युवती की मौत पर संशय बना हुआ है। लड़की के मायके वालों ने पुलिस थाना में आकर FIR दर्ज करवाने की मांग और अपना गुस्सा जमकर पुलिस पर निकाला। थाना में आई महिलाओं की पुलिस के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि चंबो से युवती शिवानी की बजूरी गांव में दिसंबर माह में शादी हुई थी और मायके वालों ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए मांग की जाती थी और इसी के चलते लड़की ने इस तरह मौत को गले लगाया है। पुलिस थाना में आए हुए मायके वालों का कहना है कि पहले ससुराल वालों ने फोन पर बताया कि लड़की को अटैक पड़ा है और बाद में बताया कि लड़की ने फंदा लगा लिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लड़की ने फंदा क्यों लगाया है, इसका जवाब चाहिए। उन्होंने बताया कि लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। वहीं SHO हमीरपुर संजीव गौतम ने बताया कि युवती शिवानी की 3 मई को मौत हुई थी और इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि आज मायके के पक्ष वालों ने पुलिस थाना में आकर मौत को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस गहनता से पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन जारी कर दी है। हमीरपुर में आए दिन निजी बस चालकों की मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में निजी बस के चालक ने HRTC के चालक के साथ मारपीट की है, जिसमें चालक को शरीर पर गहरी चोटें आई हैं। तो चालक को जान से मारने की धमकियां दिए जाने पर पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया है। HRTC चालक के द्वारा सवारियों को बिठाने के मामले में निजी बस चालक ने बस को रुकवाकर HRTC के चालक से मारपीट की है। वहीं पुलिस ने भी निजी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन जारी कर दी है। HRTC के चालक मनोज कुमार ने बताया कि हमीरपुर से जाहू बस रूट पर बस को लेकर जा रहा था कि निजी बस चालक ने बस में सवारियां बिठाने की बात को लेकर मारपीट की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि निजी बस चालक अपने टाइम से लेट चल रहा था और पीछे से आकर HRTC की गाड़ी रुकवाकर मारपीट की है, जिसमें शरीर पर चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि इस मारपीट के दौरान मेरा मोबाइल फोन, पैसे और सोने की चेन भी गायब हुई है। वहीं इस मामले पर संजीव कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि HRTC के चालक ने निजी बस चालक पर मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने धारा 353 और 504 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमीरपुर जिला एथलेटिक्स संघ की वार्षिक प्रतियोगिता 11 व 12 मई को सिंथेटिक खेल मैदान अणु में आयोजित की जाएगी। संघ की बैठक के उपरांत जिलाध्यक्ष पंकज भारती ने बताया कि इस बार ये प्रतियोगिता ग्यारह मई को अंडर 10, अंडर 12 व अंडर 14 समूह में बालक व बालिकाओं दोनों के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 12 मई को अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 व पुरुष व महिला वर्ग की प्रतियोगिता रहेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर जून माह में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता व नॉर्थ जोन प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 7 मई तय की गई है। इसके बाद किसी खिलाड़ी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। कोई भी खिलाड़ी
इस प्रतियोगिता में नंगे पांव नहीं दौड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक, 4x100 मीटर रिले रेस में भाग लेंगे। खिलाड़ी अपने साथ अपनी आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी क्लब या फिर स्कूल महासचिव संदीप डडवाल फोन नंबर 9418057867 या फिर संगठन सचिव विजय राणा से फोन नंबर 9418060134 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में परशुराम अवार्डी सुश्री पुष्पा ठाकुर, उपाध्यक्ष विजय अतुल, सुरेश ठाकुर, महासचिव संदीप डडवाल, संगठन सचिव विजय राणा, कोषाध्यक्ष रजनीश शर्मा, सचिव अनिल शर्मा, करण डोगरा, कुलदीप ठाकुर, संदीप शर्मा, करण डोगरा, सूरज ठाकुर उपस्थित रहे। हमीरपुर जिला एथलेटिक संघ इस बार अपनी जो वार्षिक प्रतियोगिता है जो सामान्य